हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो के अंदर हम भाई इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री डी गेम के कुछ मिथ बस्टर को कंफर्म या फिर बस्ट करने वाले हैं। तो हमारा पहला मिथ ये है कि भाई जैसे भी और घोड़े में दोनों में एक साथ बैठो फिर देखो मैजिक। जल्दी से भाई अपन स्पॉन कर लेते हैं अपने जैसे भी 6677 पे अपना 200 पे आता है हॉर्स। स्पॉन हो चुका है हमारा हॉर्स एंड भाई इसके हॉर्स के बैठने का आइकन नहीं आया यार, दूसरा स्पॉन करना पड़ेगा 6677 एंड थोड़ा दूर से स्पॉन करते हॉर्स को अपना एंड अभी बैठ जाते दोनों के ऊपर। हॉर्स के ऊपर आइकन नहीं आ रहा क्या बैठने का? आ गया अभी हॉर्स को थोड़ा उस साइड पे लेना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, क्यों ऐसे ही इसके ऊपर बैठने नहीं वाला है भाई जैसे भी और इसके दोनों के साथ। भाई उस तरफ चलना हॉर्स, इस तरफ किस तरफ जा रहे? हाँ अभी बैठ जाएगा, अभी बैठ जाएगा, अभी अभी आ जाएंगे ऑप्शन भाई लोग एंड बैठ चुका है हम हॉर्स एंड जैसे भी के दोनों के ऊपर एक साथ। एंड भाई क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ यार, रुको दोनों का आइकन दूर दूर आता है, मैंने एक के आइकन के ऊपर ही टैप किया था, फिर वापस टैप करना पड़ेगा लग रहा है। एंड भाई हॉर्स के अंदर इतना पावर कैसे है रे? जैसे भी को उलट पुलट कर दे रही है। तो दोनों का आइकन अलग अलग आता है, थोड़ा दूर दूर आता है। ओ भाई नीचे उतरते इन्फिनिटी फॉल के अंदर गिर गया यार, यही मैजिक था क्या भाई? बोले भाई का मैच होता है कंफर्म, चलो नेक्स्ट मैच ट्राई करते। हमारा नेक्स्ट मिथ ये कि भाई हमारे कार के इंटीरियर के अंदर भाई उल्टा 22 लिखा हुआ है। अच्छा भाई 888 पे अपने हमर कार स्पॉन कर लेते हैं एंड भाई देखते हैं क्या इसके अंदर लिखा हुआ है उल्टा 22 एंड भाई सच में है, लेकिन ये उल्टा 55 भी लग रहा है भाई, 22 जैसा नहीं लग रहा, उल्टा 55 जैसा नहीं लग रहा भाई। आप लोग देख सकते हो इस चीज़ को, ये उल्टा 55 लग रहा है भाई, उल्टा 22 नहीं लग रहा, लेकिन 22 जैसा भी है भाई, इतना भी 55 टाइम नहीं लगेगा 22। ओ इस तरीके से उल्टा है, इस तरीके से समझ गया वो, जैसे ये हमारा 22 है इसको ऐसा उल्टा करके रखा गया भाई, उल्टी साइड से नहीं, ऐसा नहीं किया है, फ्लिप नहीं किया, इसको ऊपर की साइड से उल्टा किया हुआ है। बोले ये मिथ भी होता है कंफर्म, चलो नेक्स्ट मिथ ट्राई करते। हमारा नेक्स्ट मिथ ये कि भाई बिग वाला जेट पैक लेके बिग वाले एरोप्लेन के ऊपर चढ़ो, फिर बहुत सारे स्टिक बम एरोप्लेन के ऊपर डालो तो भाई वो सारे के सारे स्टिक बम गायब हो जाएंगे। अच्छा भाई जल्दी से एयरपोर्ट पे चलते भाई लोग यार, अपन यार मैं पहुंच चुका हूँ हमारी हमर कार लेके भाई रे एरोप्लेन एयरपोर्ट के ऊपर एंड भाई अभी जल्दी से स्पॉन कर लेता अपना बिग वाला जेट पैक एंड जल्दी से चलते भाई बिग वाले एरोप्लेन के ऊपर। कहाँ पे चलेंगे? ऊपर बिग वाले एरोप्लेन के ऊपर आ चुके हैं अपन लोग एंड भाई ये कंट्रोल बहुत हार्ड है यार इस जेट पैक्स का, ये क्या आर पार ही हो जा रही है? तो इसके बाद हम कहाँ पर डालूंगा मैं भाई, कैरेक्टर आर पार हो जा रहा है यार, जेट पैक आर पार हो जा रहा है भाई इसके, तो स्टिक बम डालना है कि नहीं? तो जेट पैक आर पार कैसे हो रहा है? एंड भाई उतर चुके अपन लोग, अभी डालते स्टिक बम एंड भाई ये तो गायब भी हो रहे। ओहो ये तो पंखुड़ियों के अंदर घुस गए और मैं भी पूरा इनविजिबल टाइप हो चुका हूँ भाई ये तो, एंड नीचे गिर गया यार मैं तो। बोले ये मिथ भी होता है कंफर्म, चलो नेक्स्ट मिथ ट्राई करते हैं। मिथ ये कि भाई जो हमारा प्राइवेट प्लेन होता है उसको अगर हम स्पॉन करेंगे फिर उसका आरजीबी कलर करेंगे तो भाई उसके कुछ पास्ट आरजीबी नहीं होगा। अच्छा भाई जल्दी से 555 पे कर लेते स्पॉन एंड भाई इसका कॉम्बो है पीलो एंड ब्लू कलर का, लेकिन आरजीबी करते भाई पीला कलर तो उड़ चुका है, एकदम गायब हो चुका है, लेकिन भाई ब्लू कलर रह चुका है यार इसके अंदर, देख सकते हो पूरी साइड पे ब्लू कलर रह चुका है, लेकिन भाई पीला कलर पूरी तरीके से उड़ चुका है। बोले ये मिथ भी होता है कंफर्म, चलो नेक्स्ट मिथ ट्राई करते। नेक्स्ट मिथ ये है कि भाई न्यू अपडेट के बाद हमारे प्लेयर के शूज बदल चुके हैं। अच्छा भाई यार ये कब चीज़ हुई यार, देखते हैं अपन बाइक के ऊपर बैठ के परफेक्टली दिख जाएंगे अपने को प्लेयर के शूज, इसलिए मैंने बाइक स्पॉन कर लिए। एंड भाई ये ग्रीन वाले शूज़ तो वही लग रहे मेरे को जो पहले थे भाई, वही वाले शूज है। अभी भाई पैंट चेंज करते भाई शूज़ भी चेंज हो जाता है
एंड भाई पैंट चेंज करते, शूज चेंज हो गए, तो भाई वो वाले शूज़ में कुछ फ़र्क आया कि नहीं देखते अपन लोग। एंड भाई ये वाले शूज़ भी वही है पुराने वाली, भाई शूज़ तो चेंज नहीं हुए यार। बोले ये मीट भी होता है, बस तो चलो नेक्स्ट मीट ट्राई करते। नेक्स्ट मीट ये कि भाई अगर हम बाइक पर बैठ के हेलमेट पहनेंगे फिर तुरंत जाके कार के अंदर बैठ जाएंगे तो हमारा बंदा हेलमेट नहीं उतरता। अच्छा भाई जल्दी से अपन करते हैं अपनी स्पॉन कार को एंड तुरंत जाके कार के अंदर बैठ जाएंगे। भाई एकदम पास ही स्पॉन किए मैंने, अभी इस बंदे को हेलमेट पहन लेते हैं, पहन लेने देते। अभी एक हेलमेट उतार के फेंक दिया इसने, अभी ये दूसरा पहनेगा, ये पुराने वाले हेलमेट की कोई इज्जत ही नहीं भाई। एंड पहन लिया इसने न्यू हेलमेट, अभी जल्दी से उतरते हैं एंड कार के अंदर जाके बैठ जाएंगे भाई। एंड देखते हैं ये बंदा हेलमेट उतारता है कि नहीं, अभी तक इसको इसने पहन के रखा है भाई। थोड़ी देर रुकते हैं, ये हेलमेट उतारेगा मेरे को लग रही है भाई, मेरे को भरोसा नहीं हो सकता कि भाई बंदा हेलमेट नहीं उतारा कार के अंदर बैठने के बाद भी। एंड भाई सच में यार 10-5 सेकंड हो चुके लेकिन बंदे ने कैरेक्टर ने भाई हेलमेट उतारा नहीं है। एंड भाई ये इस टाइप का लग रहा है एकदम, वो जो राइडर्स लोग जाते हैं ना भाई कार चलाते हैं रेसिंग के अंदर, उस टाइप का बंदा लग रहा है। बोले ये मीट भी होता है कंफर्म, चलो नेक्स्ट मीट ट्राई करते हैं। और आज का वीडियो यही था भाई, मिलता है नए वीडियो के साथ, जल्दी छोड़ो, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।